हाय वेलकम टू आर के फोटो मैजिक ट्रिक्स. सो आज है हमारे साथ मिस्टर आर के. और आर के, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एज यू नो दैट आई एम इनटू डांसिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स. सो मेरी बहुत सारी पिक्चर्स हैं लाइक वेयर आई एम डांसिंग. सो लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि माई पिक्चर्स ऑल्सो मूव्स एंड माई पिक्चर ऑल्सो डांस? ये तो जरा ज़्यादा आपने बोल दिया. ये क्या मैंने वो दिस इज वी आर टॉकिंग ओनली पावर पॉइंट में पिक्चर कैसे डांस करा सकते हैं हम लोग? एक मेरे को बहुत अच्छा गाना याद है माइकल जैक्सन का ब्लैक और व्हाइट. उसमें एक इंडियन लड़की डांस करती है. आप बोलती डांस वो कैसे मुंडी कैसे हिलाते बता सकते हैं आप? जो ऐसे ये तो मैं कर सकता हूँ. Okay. ये तो मैं कर सकता हूँ. ये पावर पॉइंट पे, हालांकि पावर पॉइंट इज नॉट मेंट फॉर ऑल दिस थिंग्स, बट सिंस शी इज अ वेरी पैशनेट डांसर, ये जो इन्होंने गर्दन हिलाई है, एज यू कैन सी द पिक्चर बिहाइंड, इट्स ऑफ अ क्लासिकल डांसर. ये क्लासिकल डांसर की पिक्चर है. और अब मुंडी हिलाने के लिए, गर्दन हिलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लॉजिकली आप सोचो कि एक पिक्चर है आपके पास, एक पेपर पे पिक्चर है, अगर उसकी मुंडी हिलानी तो आप क्या करेंगे? व्हाट इज द लॉजिक? पेपर पे हम पेपर मूव करेंगे? नहीं, व्हाट वी विल डू इज वी विल मेक टू कॉपीज ऑफ द पिक्चर. ठीक है, वी मेक टू कॉपीज ऑफ द पिक्चर, एक आगे एक पीछे, एंड देन वी विल क्रॉप द फर्स्ट पिक्चर. विल क्रॉप द फर्स्ट पिक्चर व्हिच विल गो टू द नेक. टिल द नेक विल क्रॉप इट, एंड देन वी विल आल्सो यूज द रिमूव बैकग्राउंड. एज यू कैन सी बिहाइंड रिमूव बैकग्राउंड, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, यू कैन सी द अदर ट्यूटोरियल्स. हमने डिटेल में बताया है रिमूव बैकग्राउंड से क्या होता है. हमें एक्सट्रैक्शन हो गया, हमने सिर्फ आपका अब ये पीछे जो वो है उसका सर निकाल दिया. लेकिन व्हेनेवर यू कट अ थिंग, यू कट अ पेपर, यू कट अ पिक्चर, व्हाट हैपेंस, शार्प एजेस रह जाते हैं. तो आप क्या करेंगे, आप इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर पे जाके सॉफ्ट एज है, जरा सी सॉफ्ट एज दे दो. अब क्या हुआ है, अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग एन इल्यूजन. इल्यूजन में क्या है, एक पिक्चर है और एक पिक्चर की मुंडी है, हेड जो हमने उस पिक्चर के हेड पे लगाया हुआ है. इट अपीयर्स एज इफ द हेड इज सेम, बट दिस हेड इज सुपरइंपोज्ड ऑफ द अदर पिक्चर. ठीक है, और ये दोनों अलग अलग पिक्चर है. अब मेरे को ये हिलाना है. अगर मैं ये हेड को हिलाता हूँ, एनिमेट करता हूँ, तो क्या होता है, पीछे का सर भी दिखता है. बिल्कुल. तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको एक रिमूव कर देना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, जो पीछे वाली पिक्चर है उसके हेड को रिमूव कर देना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज नाउ वी हैव द बॉडी विदाउट द हेड, एंड नाउ वी हैव द हेड विदाउट द बॉडी. राइट, नाउ दिस टू आर डिफरेंट पिक्चर्स. और हमने इसको सॉफ्ट टच देके जब रखा तो ऐसा लगता है बिल्कुल एक ही है. नाउ दिस एनिमेशन, नाउ दिस कैन बी यूज्ड इन कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस व्हेन यू आर यूजिंग ए फिगर्स. जैसे मैं आपको उसका एग्जांपल बाद में दिखाऊंगा, बट अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर है ना जो हेड है, हेड को एड एनिमेशन देके, अब ये हिला रहे हैं, कैसे हिला रहे हैं, वापस अच्छे से हिला के दिखाओ. ठीक है, हम ये देने के लिए ये मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड टीतर. तो आप एनिमेशन में टीतर एनिमेशन देंगे और इसको राइट लेफ्ट आप एक मिनट फास्ट करिए और स्लो करिए. तो ये जो ये कर रही है ना, वी कैन ऑल्सो एनिमेशन में टाइमिंग, दिस टाइमिंग विच आई विल स्लो डाउन, तो सर स्लो हिलेगा, फास्ट करूंगा तो फास्ट हिलेगा. और बिल्कुल आप देख रहे हैं जैसे पीछे, दिस इज जस्ट टू कीप हर विश दैट शी वांटेड अ पिक्चर टू डांस. बट इफ यू रियली वांट पिक्चर्स टू डांस, एज इफ यू कैन सी द पिक्चर बिहाइंड वेयर फाइव पीपल आर होल्डिंग अ व्हाट डू यू कॉल इट, पेपर हाथ में लेके रखा हुआ है, मैं उसमें भी पिक्चर्स डांस करा सकता हूँ. पर उसके लिए हमें जिफ चाहिए. जिफ इज व्हाट, जिफ इज मूविंग पिक्चर्स. नो, जिफ तो आराम से मिल जाती है, आप इंटरनेट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन पे, जैसे देख रहे हैं आप पीछे. और मैंने कह दिया, मैंने 5 जिफ्स लेके ये लगा दिया, और एक अलग आपका जो पीछे जो था वो भी लगा दिया, जो डांस कर रहे थे. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस F5. जैसे मैं F5 प्रेस कर रहा हूं, सी द पिक्चर्स हैव स्टार्टेड डांसिंग. तो जैसे आपने देखा, ये डांस का जो हमने बनाया है जिफ डाल के या कुछ, ये अगर आप कॉर्पोरेट के लिए बना रहे हैं, तो जैसे आपके कोई फिगर्स बहुत अच्छे हो गए और उसको हाईलाइट करना है, तो यू कैन ऑल्सो गिव द डांसिंग दिस थिंग टीतर का देखे, वो बहुत अच्छा लगेगा, मतलब इट विल बी हाईलाइटेड. एंड दिस इज, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करेंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके साथ.
ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है जो हमने आपको बताई, और आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज बीइंग इनटू डांसिंग मैं अपने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ को ऐसे इसमें कन्वर्ट कर सकती हूँ. आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम कुछ 3D काइंड ऑफ गैलरी बना सकते हैं पिक्चर्स की? अब क्या करें, अब 3D फोटो प्रोडक्ट गैलरी बनानी ही पड़ेगी. हम ऐसा करते हैं, वी कैन ईजिली क्रिएट अ 3D फोटो गैलरी इन पावर पॉइंट. यस, रीड माई लिप्स, आई एम नॉट जोकिंग. बाय ओनली बाय यूजिंग पावर पॉइंट आई विल क्रिएट अ 3D फोटो गैलरी वेयर यू कैन ईजिली गिव योर प्रोडक्ट डिस्प्लेस. बट फॉर दैट वील हैव टू आई थिंक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जाए. So viewers, if you want to create, you know, magic with your pictures also, do visit us, rkphotomagictricks.com, and don't forget to share and like our page. So where can you find the preview video and other information about RK and Ashir? Just Google RK Photo Magic Tricks with an X and you will see everything. And for all inquiries and help regarding PowerPoint presentations, please contact Ashir via ashir@gmail.com. That's ashya@gmail.com. And RK via RK Photo Magic Tricks @gmail.com. Hey!